हाय एवरीवन, मैं लोक और आज इस वीडियो में मैं अपने लाइफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा लाइफ मतलब मेरे फैमिली मेम्बर्स के बारे में, मैं किसके साथ रहता हूँ, मतलब किन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया ये सब करने के लिए, मेरा बचपन कैसा था, मैं किन किन लोगों से इंस्पायर हुआ हूँ, मैं कैसे स्टंट्स डांस या फिर मेरा जो पैशन है मैं इसको कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से मैंने शुरू किया और क्या मैं अभी कर रहा हूँ, इन सारे सवालों का जवाब जब आप पूछते हो तो मैं देने के लिए कोशिश करता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए मेरे बायोडाटा के ऊपर, मेरे लाइफ के ऊपर। ये इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे और आप जिससे बात कर रहे हो, आप जिस वीडियो को जिसका वीडियो आप देख रहे हो, आपको पता होना चाहिए कि वो कौन है। तो मेरे लाइफ के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तब तक के लिए आप इस वीडियो को कंटिन्यूसली एंजॉय करते रहो। सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय माय लाइफ स्टोरी। मेरा पूरा नाम है आलोक मोहराना, MOHARANA मेरा टाइटल है। मेरा कास्ट है कारपेंटर। मेरे फैमिली में मेरे पापा, मेरे भैया वो कारपेंटर ही काम करते हैं। आई हैव ऑल्सो सम आइडियाज अबाउट दैट। मेरे भैया बहुत ऐसे डिज़ाइंस करते हैं कार्विंग का, और हमारे एक दुकान भी है। और जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था, तब से मेरे मन में एक बात था, एक यूनिकनेस था कि मैं कुछ अलग करूँगा। वैसे मेरा फैमिली का जो प्रोफेशन है, मुझे ये सब प्रोफेशन के बारे में पता है और मैं टाइम भी देता हूँ, लेकिन मेरा जो पैशन है वो कुछ अलग ही है, जो लोग एक्सेप्ट नहीं था। मेरे फैमिली मेम्बर कभी उतना सपोर्ट मुझे किए नहीं, फिर भी जितना मैं आज तक सीख पाया हूँ, मैं सब अपने बलबूते पे सीख पाया हूँ। बहुत दिनों बाद जब मैं स्कूल जा रहा था, तब मैं मूवीज़ देखता था, तब सीडी डीवीडी हुआ करता था, सीडी में हम मूवीज़ देखते थे। टोनी जा, आपको सबको पता होगा, टोनी जा, जैकी चैन, जेटली, मार्शल आर्ट मूवीज़ में देखता था, क्योंकि मेरे जो बड़े भैया हैं वो मार्शल आर्टिस्ट थे, वो मार्शल आर्ट करते थे, कराटे करते थे, और उनसे थोड़ा थोड़ा मैं इंस्पायर भी हुआ था। और वहीं से उनके साथ मूवी देखते 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 जो फाइटिंग सीन्स है वहाँ पे, जिमनास्टिक, एक्रोबैटिक, ये सब फ्लिप्स वगैरह देख के मैं इंस्पायर हुआ था। और अभी भी मुझे याद है जब ओमबक और ओमबक 2 मूवी आया था टोनी चा का, वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ था। इतना डेडिकेटेड, इतना स्ट्रॉन्ग और इतना डेंजरस मूवी सिर्फ थाईलैंड में ही बन सकता है। एक्चुअली जेटली, जैकी चैन, वो उनका लेवल कुछ अलग ही है, लेकिन टोनी चा का लेवल भी कुछ और ही है। और उससे मैं इंस्पायर हुआ था। तब मेरे पास एक छोटा फ़ोन हुआ करता था, मतलब उस फ़ोन में इंटरनेट नहीं था, सैमसंग का एक मैंने फ़ोन लिया था। उसके बाद फिर 2-3 साल बाद नोकिया 6600, अभी भी मुझे याद है, वो एक बल्की काइंड ऑफ फ़ोन था, इतना बड़ा कैमरा था उसके पीछे, पता नहीं क्यों कैमरा का जो काम था वो सेम ही था, सिर्फ सोफ के लिए इतना बड़ा था, लेकिन अच्छा था फ़ोन, क्वालिटी बहुत अच्छा था, उसका डिस्प्ले बहुत ही अच्छा था, फ़ोटो शूटता था, वीडियो शूट मैं करता था, मैं दुकानों में जाके वीडियोस डाउनलोड करता था मोबाइल पे, मेमोरी चिप पे, उसके बाद आके घर में देखता था। तब इंटरनेट का ज़माना था, लेकिन मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं उतना टेक्निकली इम्प्रूव्ड नहीं था। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया मेरे भैया के साथ, थोड़ा थोड़ा मार्शल आर्ट, लेग स्प्लिटिंग हो गया, किक्स और डिफेंस, ये सब, फिर पंचिंग्स एंड स्ट्रेंथिंग आवर हैंड स्टैंड। जब फ्लिप्स का बारी आया, तब धीरे धीरे मैं फ्लिप्स और ट्रिक्स, एक्रोबैटिक्स की तरफ मेरा जो इंटेंशन है, अटेंशन है, वो चलता गया। और मुझे फाइनली रियलाइज़ हुआ कि नहीं, एक्चुअली ये एक चीज़ है जो ट्रूली मैं चाहता हूँ करना। और तब मैंने एक नया फ़ोन ख़रीदा, एक चाइना डिवाइस था, बीच में चाइना का फ़ोन जब निकल रहा था, इतना बड़ा बड़ा फ़ोन, लाइटें सब जल रहा होगा स्विचेस पे, तो मैंने एक फ़ोन लिया, उस पर सिर्फ मैं फाइटिंग सीन्स वीडियोस या फिर किसी स्टंट्स वीडियोस को मैं डाउनलोड करके देखता था। फिर और 2-3 महीने के बाद मैंने एक मोबाइल लिया, नोकिया 6600, वहाँ से मैंने इंटरनेट को यूज़ करना शुरू किया। और टेक्नोलॉजी का नशा है जो मुझ में तब आया,
मैं किसी अकेडमी में जाके ये सब सीखा नहीं था। टेक्नोलॉजी के बारे में, इंटरनेट के बारे में तब तो मुझे पता चला। धीरे 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 इंटरनेट को एक्सेस करना सीखा, उसके बाद यूट्यूब चलाना सीखा। मुझे पता चला कि एक वेबसाइट है यूट्यूब, जहाँ पे अगर हम सर्च करें कुछ भी चीज़ वो आ जाता है। यूट्यूब से मैं बहुत इंस्पायर हूँ। आज इसी यूट्यूब के लिए मैं जो भी हूँ, और यूट्यूब में पहला मैं वीडियो देखा था स्टंट का, डेमिन वॉल्टर्स, आप सभी को पता होगा वो एक बहुत बड़े दिग्गज लीजेंड है। स्टंट्स एक्रोबैटिक बहुत अच्छे करते हैं। और उसके बाद कैरल रफाइली, डेविड बेली जो पार्कोर का फाउंडर है, इन सब का वीडियो देख के मैं बहुत इंस्पायर हुआ। और पीपल आर ऑसम उस समय बहुत फेमस था यूट्यूब पर। अभी तो पार्ट वन पार्ट टू 2018 2017 16 ये सब पर ईयर पीपल आर ऑसम वीडियोस आता रहता है। वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन गैदर किया, फिर सीखना शुरू कर दिया। फिर ट्यूटोरियल का जो ज़माना था उसके बाद आया, मुझे पता चला कि हाँ एक चीज़ होता है ट्यूटोरियल जिससे हम देख के कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे लगा यार यह बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये सब ट्यूटोरियल्स मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये सब देख के मैं सीख सकता हूँ। मुझे किसी अकेडमी में जाने के लिए भी ज़रूरत नहीं है कि किसी क्लासेस में जाना भी मुझे नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे ना कि फैमिली का सपोर्ट था ना कि मैं खुद अफोर्ड कर पाता था मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं था, मैं अनएम्प्लॉयड था। फिर पढ़ाई ख़त्म हुआ और मैं अपने होम बिजनेस में लग गया, पैसा कमाने लगा। और धीरे 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 करके ऐसे आगे बढ़ता गया, स्टंट्स करता गया, कॉम्पिटिशन से डांस करता गया, कॉम्पिटिशन अटेंड करता गया। फिर एक बार मैं प्रैक्टिस करता था फील्ड्स में, तो फिर वहाँ मेरे एक दोस्त से मुलाकात हुआ। उसने बोला कि यार तुम बहुत अच्छा करते हो ये सब, तुम्हें यूट्यूब में ट्यूटोरियल्स बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडिया में यूट्यूब में ऐसा ट्यूटोरियल कोई नहीं बनाता है, तुम्हें ये सब पता है, अगर तुम बनाओगे हिंदी लैंग्वेज में तो ये बहुत अच्छा होगा, सब लोग ये वीडियोस देख के तुमसे सीख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश समझ पाना सबके बस की बात नहीं है। कुछ कुछ लोग होते हैं जो इंग्लिश को समझ पाते हैं, लेकिन हिंदी में अगर तुम करोगे तो इंडिया में बहुत लोग हैं, इंडिया के बाहर भी है, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वो सब लोग समझ पाएंगे सब। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, मुझे ये ट्यूटोरियल बनाना है। फिर 2 साल बाद मैं स्टार्ट किया ट्यूटोरियल बनाना। मेरा चैनल 2015 जुलाई को मैंने स्टार्ट किया था। एक्चुअली मेरा माँ का डेथ हो चुका है, उनको बहुत प्रॉब्लम था, मल्टीपल डिजीजेस था, गैस्ट्रिक, डायबिटीज़, बहुत सारे डिजीजेस, मतलब जो कंटिन्यूसली उनके साथ ही होता गया ये हादसा। तब भी मैं प्रैक्टिस करता था, और मतलब वो भी मेरे लिए बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन है। मेरी माँ आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ, जो कुछ भी मैं लाइफ में सोचता हूँ, उनको याद करता हूँ, उनका जो इंस्पिरेशन है मेरे साथ हमेशा रहेगा। आजकल मैं खाना खुद बनाता हूँ, खुद खाता हूँ, मेरे पास अभी घर एक है। जब मैं पैसा कमाना शुरू किया, मेरे पास जॉब नहीं था, मेरे पापा मुझे बहुत हेल्प किए, तो मैंने एक दिमाग में एक बात रख लिया कि मुझे घर बनाना है मेरे लिए, सेपरेट लिए, क्योंकि फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में एक दो रूम में सब लोग रहते हैं, तो ये सब काम करना उनके सामने मतलब कंफर्टेबल नहीं फील होता है, डांस या फिर जो पैशन है मेरा ये सब करना, क्योंकि हमेशा उनका जो कंटिन्यूसली एक्टिविटीज होता होगा उस वही एक ही रूम में, मतलब ये प्रॉब्लम होता था मुझे बहुत। फिर भी मैं टाइम निकाल के बाहर जाके सब करता था। फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने एक पैसा इकट्ठा किया, मेरे लिए एक सेपरेट रूम बनाया, क्योंकि आर्टिस्ट के लाइफ में अगर सेपरेशन हो, अकेलापन हो, तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तो आप बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हो, खुद को आप जानते हो कि आप क्या हो, खुद को पहचानते हो, खुद को वक्त देते हो, तब जो खुद की पोटेंशियल्स है आपको पता चलता है। तो ऐसे में मैंने डिसाइड किया घर बनाना, और आप अभी देख सकते हो यही मेरा रूम है, इसको मैंने आर्किटेक्ट किया है। जितना भी डिज़ाइन आप अभी देख रहे हो इस फोटो में, ये सारा
60% मेरे घर का काम, मेरे रूम का काम मैंने किया है। ये सारा कारपेंटरी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा है, और पैशन के साथ साथ मेरा प्रोफेशन भी बहुत ही अच्छा है, तो इस तरह से मैं करता आ रहा हूँ। मैं एक पूरी तरह का अलग टाइप का लड़का हूँ। मैं ना ही किसी से ज़्यादा मिलता हूँ, ना ही किसी से ज़्यादा बात करता हूँ, क्योंकि घर के पास जो सब दोस्त है मतलब रहते हैं, उनका मेंटालिटी अलग है, मेरा मेंटालिटी अलग है। वो वक्त को वैल्यू नहीं करते हैं, वैसे ही मतलब हंसी मजाक करते हैं। कभी भी नीचे जाऊंगा तो रास्ते पे वो मिलेंगे, बातें ही करते रहेंगे, ना ही लाइफ का कोई गोल है उनका, ना ही कुछ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन है। तो मेरा जो ख्वाब है, मेरा जो सपना है, उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चाहिए मुझे रियलाइज हो चुका है, तो इसीलिए मैं उतना उनके साथ मिलता जुलता नहीं हूँ, इंटीमेट नहीं हूँ, बातें करता हूँ बस, थोड़ा बात करके फिर चला आता हूँ। तो जिन जिन लोगों के पास ये ख्वाब है, मेरे जैसा सपना है, उनके साथ मैं थोड़ा ज़्यादा इंटीमेट होता हूँ, बात करता हूँ, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ता है। अगर उनका ख्याल सेम हो तो जो एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो बहुत ही अच्छा होता है। हम एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए बहुत काम में आते हैं। दूसरे जो लोग हैं, मैं क्यों उनके साथ उतना मिलता जुलता नहीं हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं करता हूँ मेरे पैशन के लिए, उनको ये लगता है कि ये करके तुम क्या करोगे। वो हमेशा डीमोटिवेट करते हैं, वो हमेशा गलत मतलब निकालते हैं कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब करके क्या करेगा, लाइफ बर्बाद कर रहे हो, ये होता है, वो होता है। कितने लोग इस रास्ते में आके गलत हुए हैं और उनका लाइफ बर्बाद हो चुका है। तुम कुछ अलग करो, पढ़ाई करो, कंटिन्यू करो, जॉब करो, लेकिन मैं खुद को और दूसरे से, मेरे माँ से जो इंस्पिरेशन मुझे मिला था, ये सब काम में मैं लेकर एक डिसीजन लिया है। मतलब एक्चुअली ये जो मेरा एक चॉइस था, बहुत ही अच्छा था कि नहीं, मुझे जो करना है सिर्फ खुद को ही सुनकर करना है, ना कि दूसरों को सुनकर, उनके बातों को प्रायोरिटी देकर कुछ करना है। मेरा मम्मी जब वो जिंदा थी, तब उन्होंने एक बात बोला था, ज़िंदगी में जो कुछ करना है बेटा तुझे अलाउड है, सिर्फ जब भी कुछ करना है तो तू अपने की सुनना, मतलब तू खुद का सुनना, कभी दूसरे को प्रायोरिटी मत देना, क्योंकि दूसरे तो बहुत कुछ बोलेंगे तुम्हारे लाइफ में क्या हो रहा है, तुम क्या डिसीजंस ले रहे हो, दूसरे आके नहीं डिसाइड करेंगे, ये अनफेयर होगा तुम्हारे लिए अगर तुम दूसरों को सुनते हो, दूसरों को समझते हो। हाँ, अगर वो बोलते हैं सिर्फ हाँ में हाँ मिला दो, उसके बाद वो अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। कभी भी किसी बात को सीरियसली मत लो, किसी की भी मत सुनना लाइफ में सिवाय खुद के, अपने दिल की सुनो। जो भी करना है शिद्दत से करो, प्यार से करो, देखना सक्सेस अपने आप आ जाएगा। तो वो बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत याद आती है मम्मी की, बट ग्रेजुअली आई गॉट टू नो बहुत कुछ अंदर है, मतलब छुपा के रखा हूँ, वो जो बड़ा सही शब्द निकालने वाला हूँ जब मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो मैं मेरे लाइफ में एक ऐसी चीज़ सोच के जीता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचता हूँ कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ तो मेरे लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है, क्योंकि सक्सेस इज़ नॉट अ डेस्टिनी। वो एक डेस्टिनी नहीं है कि आप जाने के बाद आपका लाइफ ख़त्म, नहीं, ये एक जर्नी है। तो जर्नी में आपको हमेशा ये फील करना है कि आप सक्सेसफुल हो। अगर आप ऐसा फील करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, जो कुछ करोगे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर से मिलेगा, और आप सभी काम में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये जो बात है, ये सब जो इंस्पिरेशंस है, मैं यूट्यूब से लेता हूँ। मोटिवेशनल स्पीकर्स बहुत हैं, आइडियाज़ उनसे लेता हूँ। अपना जो कीमती वक्त है उसको इसी तरह ही मैं बिताता हूँ कुछ सीखने के लिए। और डांस और स्टंट्स को छोड़कर मेरा और भी बहुत पैशन है। मेरे हॉबीज़ को अगर आप सुनोगे तो मे यू लैफ। मुझे गाना गाना बहुत पसंद है, और मुझे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है। मैं हमेशा वीडियो बनाता रहता हूँ, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, जो भी कंप्यूटर नॉलेज है, मैंने कोई कोर्स कंप्लीट नहीं किया है।
हालांकि मुझे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए मैंने टेक्नोलॉजी को समझा, धीरे धीरे परस्यू किया। और कंप्यूटर मैं खुद से सीखा हूँ, ना किसी अकेडमी जाके कोर्स करके सीखा हूँ। और जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एडोबी का प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, सब कुछ मैं यूज़ करता हूँ और सब कुछ मैंने खुद से ही सीखा है, यूट्यूब से वीडियो ट्यूटोरियल से सीखा हूँ। फिलहाल नॉर्मली लोग ये सब 1-2 लाख खर्चा करके कोर्स कंप्लीट करके क्लासेस में अकेडमी में सीखते हैं, लेकिन हालांकि जब हमारे पास यूट्यूब है तो थोड़ा सा दिमाग मैंने लगा दिया और ये सब नॉर्मली मैं सीख चुका हूँ, तो वीडियो अच्छा बनाता हूँ। और बस यही है मेरे लाइफ के बारे में। अब मैं यूट्यूब में थोड़ा सक्सेस हूँ, उतना तो सक्सेस नहीं हूँ, कभी नहीं बोलूँगा। बहुत लोग प्यार देते हैं इंडिया में, बाहर भी, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, जितने भी नियर बाय कंट्रीज है, इंडिया से कनेक्टेड है। और जिन जिन देशों में हिंदी समझ में आती है, हिंदी में बात करते हैं लोग, तो वो सब समझते हैं। मुझे बहुत अच्छा फील होता है जब कोई कमेंट करता है अलग कंट्रीज से और अप्रिशिएट करता है कि आप ये सब करते हो, बहुत अच्छा करते हो। और तब इमोशनल भी हो जाता हूँ कभी कभी, लेकिन अपना जो इमोशन है वो हमें हमेशा अंदर ही छुपा कर रखना होता है। वो जो इमोशन एक पावरफुल होता है, बहुत ही गहरा पावर होता है, उसको समझने के लिए आपको एक बहुत ही डीप अटेंशन देना होगा खुद को, तब जाके ये बात को आप समझ पाओगे। और बस लाइफ सिंपली चल रहा है अभी अभी मैं बहुत कुछ प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने चैनल को लेके, खुद की इम्प्रूवमेंट को लेके। हमेशा एक ही बात याद रखना अपने लाइफ में, ये टाइम है खुद पर इन्वेस्ट करना और ये टाइम है किसी की भी ना सुनना। जो अपने दिल पे है, जो आपका दिल बोल रहा है, सिर्फ उसका सुनो, वही करो, सिद्ध से करो, प्यार से करो। देखना उस चीज़ पे आप ऐसा करोगे, आपको कोई भी नहीं हरा सकता दुनिया में। तो ऐसा कुछ आपको सोच के करना है। आप सब सेंसिबल हो, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। बस सिंपली मेरे लाइफ के बारे में कुछ ऐसा ही था। और उतना बड़ा मैं स्टार नहीं हूँ, फिर भी मेरे थोड़े से फैंस हैं और मैं उस पर बहुत खुश हूँ। रिसेंटली मैंने एक व्हाट्सएप चैटिंग का एक सेशन शुरू किया है, नंबर भी मैंने आप सभी को दिया है। आपसे बात होता है, बहुत अच्छा लगता है, सभी को मैं रिप्लाई करता हूँ, किसी को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, छूट जाता है, क्योंकि इतने सारे लोग एक साथ मैसेज करते हैं तो सबको रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। फिर भी आई रियली एन्जॉय डूइंग दिस। ऐसे ही आप सब मेरे साथ बने रहो, आप जैसे नॉर्मल लोग हो, मैं भी वैसा एक नॉर्मल इंसान हूँ। अगर हम सब मिलके, हमारा जो पैशन है, हमारा जो ख्वाहिश है, सबका एक है, अगर हम सब मिल जाएंगे, यूनिटी अगर रहेगा, नॉलेज शेयर अगर करेंगे हम सब मिलके, तो इस चीज़ को एक आगे बहुत ही बढ़ावा मिलेगा। जो नया जनरेशन है उसको बहुत फोकस करेंगे, पैशन को बहुत फोकस देंगे, हमारे जो इंटेंशंस है उसको फोकस देंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। मेरा ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा अगर ये सब होता है तो। फिलहाल के लिए बस यही था मेरे लाइफ के बारे में। अगर आपको और कुछ जानना है तो इस वीडियो में कमेंट पर बता दोगे। और बस आई डोंट नो कि मैंने क्या क्या बोला और आपको कैसा लगा, फिर भी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग पेशेंस, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग दिस। और ऐसा मैं वीडियोस और भी लाऊंगा, ब्लॉग वीडियोस, ट्रैवल मुझे बहुत पसंद है। मुझे मेरे लिस्ट में प्लान्स है बहुत अच्छे अच्छे जगहों में जाके ट्रैवल करना और वहाँ पे डांस या स्टंट्स वीडियोस करके आना। मैं ये सब आपको बताऊंगा जब मैं शुरू करूंगा। फिलहाल तो मैंने पूरी बीच गया था, फिर आ गया, नेक्स्ट बहुत प्लान्स है करने का। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, नेवर गिव अप। Thank you so much for watching this video.